तहसील करछना में समाधान दिवस पर सुनी गई उपजिलाधिकारी द्वारा फरियादियों की शिकायतें। उपजिलाधिकारी कक्ष के सामने पान की पिच मारकर सीढ़ियां भी की गई थी लाल। प्रयागराज जनपद के तहसील करछना अंतर्गत समाधान दिवस के अवसर पर शनिवार को आए हुए फरियादियों की फरियादें उपजिलाधिकारी करछना मृदुला अवस्थी द्वारा सुनी गई। यहां तक कि तहसील परिसर में किसी भी विभाग से संबंधित शिकायतों को लेकर आए हुए फरियादियों की शिकायतों की सुनवाई उपजिलाधिकारी मृदुला अवस्थी द्वारा फर्ज पर बैठकर सुना गया और शिकायत से संबंधित आए हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द फरियादियों के मानसा के अनुरूप जांच कर उनकी शिकायत का निस्तारण किया जाए। इसके अतिरिक्त शिकायती कक्षा में ये भी देखने को मिला कि संबंधित विभागीय अधिकारियों के बैठने वाले स्थान के पीछे दीवार पर उनके विभाग के नाम से चिट लगाई गई थी, लेकिन शिकायती समाधान कक्षा में आए हुए पत्रकारों के नाम की कोई भी चिट नहीं देखी गई और न ही उनके बैठने के लिए कोई स्थान तहसील प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया गया था, बल्कि यह भी देखा गया कि उप जिलाधिकारी करछना के बैठने वाले कक्ष के मुख्य दरवाजे पर लोगों द्वारा पान खाकर थूक की पिच मार कर सीढ़ियों को रंगीन कर दिया गया था, पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह कारनामा वहां पर उपस्थित वकीलों द्वारा किया गया था या तहसील परिसर में आए हुए लोगों के द्वारा। ये तो पान की पिच मारे गए स्थान के आसपास कुर्सियों पर बैठे वकीलों द्वारा ही बताया जा सकता है। खास रिपोर्ट माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज से राजेंद्र पांडे, प्रयागराज। We'll be right back.